अरुणाचल प्रदेश से वह मैं और मैं बेंगलोर में काम करता हूँ प्राइवेट जॉब सर मैं दो मुद्दे लेकर आया उस मुद्दे के बात करना चाहूँगा तो मेरा ये है सर मेरा यूट्यूब चैनल खोल खोला रखा है मैंने जो मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ मेरा शौक़ है सर मतलब ऐसा मैं भी चाहता हूँ मैं यूट्यूब खोलूँ और एक्सप्लोर करूँ अपना ट्रेडिशनल कल्चर जो भी हो अपना एनवायरनमेंट का जो भी हो नेचर ब्यूटी सब एक्सप्लोर करूँ ये चाहता हूँ सर तो पेरेंट्स ये समझता है कि एक बार वीडियो बना लिया मतलब इसको पैसा मिलना है तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे सर प्लीज़ आपका सजेशन एक चाहिए और दूसरा तो भी ये है मुझ जैसे जो 250 सब्सक्राइबर लेकर खुद को यूट्यूबर मान रहा है मैं भी मान रहा हूँ सर मैं मेरे में कॉन्फिडेंस है मैं मान रहा हूँ भले लोग ना माने तो उन कंटेंट क्रिएटर्स बोल सकते हैं सर जो मेरे जैसे वीडियो ब्लॉग्स बना रहे हैं उनको आप क्या सजेशन दोगे क्योंकि मैं भी कभी कभी फील करता हूँ सर आ, मैं डिलेक्ट कर लूँ क्या चैनल फिर सोचता मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी ना दिख रही है ना कुछ ना हाई डे हाई डे जस्ट वीडियो में लगे रहो तो आप चाहते हैं कि मैं आपके पेरेंट्स या ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज दूँ तो मैं उनको कोई मैसेज नहीं दूंगा क्योंकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है उनकी अपनी एक थिंकिंग है जो उनकी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर बनी है और उनकी जो एज है उस एज में एक इंसान के लिए अपने आप को चेंज कर पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और प्लस वो मेरे पास में नहीं आए हैं आप आए हैं तो अगर मैंने कुछ बोल भी दिया आपके पेरेंट्स को तो वो मेरी सुनेंगे नहीं वो कहेंगे ये कौन है और हमें क्यों बोल रहा है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जो अभी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप यूट्यूब पर भी अपना ट्राई कर रहे हैं आपने कहा ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है दो सौ है दैट इज़ ओके इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम की है पैसे की नहीं है तो अपने पेरेंट्स को अननेसेसरी अभी इस स्टेज में बताने की जरूरत ही नहीं है वाई डू यू हैव टू टू टेल इट देम कि मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि अभी एक्चुअल में काम है ही नहीं आप उनको ऐसे बोलो जैसे कोई इंसान पार्क में वॉक करता है या सुबह उठ करके योगा करता है या फिर बैडमिंटन खेलता है क्रिकेट खेलता है फुटबॉल खेलता है तो उसके पैसे मिलते हैं अगर कोई शौक के लिए खेल रहा है तो जी नहीं सर तो आप यह बोलो कि ये मेरा शौक है जिसमें मैं पैसा ना तो लगा रहा हूं ना मेरे पास में पैसा आ रहा है शौक है हर एक का को कोई ना कोई शौक होता है बोलो इसमें कोई गलत शौक तो नहीं है ना बोलो कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा नहीं। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक एस्पेक्ट उनको सीधा ये बोलो कि ये शौक है विच इज अ फैक्ट क्योंकि नाइनटी नाइन परसेंट चांसेस है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि आप अकेले नहीं हो बहुत लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है क्योंकि दो चार पांच चैनल नहीं है लाखों चैनल्स हैं यूट्यूब पर और इसमें एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है कोई भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और अपलोड कर सकता है तो उन वीडियोस पर व्यूज आना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू और अगर एक बार आ भी गए तो फिर दोबारा आना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक बार आ भी गए पचास हजार सब्सक्राइबर्स एक लाख सब्सक्राइबर्स उन्हें लगा अब तो हो गया सब कुछ उसके बाद में एकदम ही चैनल डेड हो गया तो जब तक कि ये में प्रोफेशन नहीं है यानी कि जब तक एक्चुअल में यहां से पैसा नहीं आ जाता तो ऐसी बात करो भी मत अपने पेरेंट्स से वो कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो डर जाएंगे वो कहेंगे ये कैसा काम है यहां तक आपको क्लियर हो रहा है जी सर अपने पेरेंट्स को ये बोलना ही नहीं है कि ये मैं काम कर रहा हूं या ये कोई प्रोफेशन है या इसमें ऐसा होता है वैसा होता है ये बिल्कुल एक लॉटरी के टिकट के जैसा है जो आपके पेरेंट्स समझते हैं हो सकता है आप नहीं समझते हो या हो सकता है आप भी समझते हो अंदर से लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये प्रोफेशन किस बेस पे है आप दो चार नाम बताओगे आप बोलोगे देखो वो इतना कमाता है वो इतना कमाता है वो इतना कमाता है तो इसका मतलब ये प्रोफेशन है जी सर अरे तो ऐसे तो लॉटरी की टिकट में भी होता है तो क्या वो प्रोफेशन है जी नहीं सर एक लॉटरी की टिकट है जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं देखो इन दस लोगों की लॉटरी लगी तो ये भी एक प्रोफेशन है चलो ये काम करो और आप अपने घर वालों को बोल रहे हो कि मैं लॉटरी का काम कर रहा हूं तो घर वाले डरेंगे नहीं जी सर तो डोंट से सच थिंग्स टू योर पेरेंट्स एंड डोंट बिलीव सच थिंग्स एट द बैक ऑफ योर माइंड इस तरह के एक्सपेक्टेशन लगाओगे जहां परिटी ऑलमोस्ट जीरो चांसेस कुछ हो जाएगा और अगर हो भी गया उसके बाद भी उसको मेनटेन करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप समझ रहे हो जी सर यूट्यूब पे हम ऐसे लोगों की वीडियो देखते हैं कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली मैं महीने का पचास लाख कमा रहा हूं एक करोड़ कमा रहा हूं मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं अरे ऐसे है कितने सौ डेढ़ सौ करोड़ लोगों में से ऐसे अगर दो चार लोग हैं तो इसको प्रोफेशन नहीं बोलते हैं पहले इस बात को अच्छे से समझ लो जी सर जब तक किसी भी काम में क्लियर कट पात ना हो सक्सेस का तब तक उसको प्रोफेशन नहीं बोलते तो इसको एक तो प्रोफेशन बोलना बंद कर दो आप भी और वो लोग भी जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं जी सर ये प्रोफेशन नहीं है ये एक तरीका है जो भी आपके अंदर स्किल है टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करने का अगर इस तरीके से आप देख रहे हो और आपको वो करने में मजा आ रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑडियंस को देखने में मजा आएगा और फिर वो लंबा चलेगा देखना ध्यान से समझना दोनों अप्रोच में कितना फर्क है एक है आप यूट्यूब पर हो पैसा कमाने के लिए तो बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो क्योंकि अब आप कुछ भी करने लग जाओगे और हो सकता है जल्दी से फेमस होने के चक्कर में कोई उल्टे सीधे काम कर दो और पता लगा जेल में बैठे हो ऐसा हो रहा है ना लोगों के साथ में जी सर जी तो ऐसे काम मत करो भाई तो इसको देखो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह जो आपको मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हो जी जो भी आपकी नॉलेज है जिस फील्ड से रिलेटेड उस फील्ड के बारे में आप बात कर सकते हो एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर कर सकते हो कोई टैलेंट है उसको दिखा सकते हो कोई स्किल है उसको शेयर कर सकते हो अगर है तो नहीं है तो पहले एक्वायर करो गॉट इट जी सर ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ उन सब लोगों का जो सक्सेसफुल हुए हैं जो नहीं हो पाए हैं वो इसको एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं कि मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा फिर यहां से लाखों रुपए महीने का आने लग जाएगा ऐसा नहीं होता है प्लस सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो आपको ये भी देखना है ऑडियंस का इंटरेस्ट है या नहीं है अगर है भी तो कितने लोगों का इंटरेस्ट है ये सर मान लो मेरा किसी टॉपिक के बारे में बोलने में तो इंटरेस्ट है आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यूट्यूब पर क्यों अपलोड कर रहा हूँ कमरा बंद करके वैसे ही बोल दू लोग जब बात करते हैं ना पैशन की इंटरेस्ट की वो समझ नहीं पाते कि इट हैज टू बी टू वे इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट इट कैन बी वन वे आप कह रहे हो मेरा डांस करने में इंटरेस्ट है बट आप जिस तरह का डांस करते हो उसको देखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपको किस में इंटरेस्ट है प्लस ऑडियंस का किस में इंटरेस्ट है फिर उन दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा और सिर्फ इससे भी काम नहीं होगा आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या उसमें पूरी दुनिया में कहीं कोई सक्सेसफुली इस काम को कर रहा है जैसे आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं मेरे को बताइए एग्जैक्टली exactly तो वही है सर आ, काम भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये वीडियो ब्लॉग्स बना रहा हूँ किस तरह के ब्लॉग्स हैं सब कुछ है सर उसमें बॉडी बिल्डिंग का भी आएगा नेचर ब्यूटी का भी उसका फनी गेम्स का भी तो सारा जितना कॉन्टेंट जिसको चाहिए वो सारा मिल जाएगा ऐसा टाइप में लिखा है बट ऐसे तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं इसमें अलग क्या है जी सर हम पहाड़ी बंदा है सर हमारा अरुणाचल काफ़ी सुंदर है तो मैं उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करूँ ये सब सर आपको पहले ये फिगर आउट करना होगा कि क्या है ऐसा जो आप कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता आपने कहा आप अरुणाचल से हो जी सर तो वहाँ की भाषा आपको आती है जी सर वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चलती है सर डिपेंड करता है कौन सा ट्राइब है uh, मैं मैं uh, नुकटे ट्राइब हूँ तो नुकटे भाषा और भी ऐसे कई ट्राइब्स है सर आप कौन सी भाषा बोलते हो जी मैं नुकटे सर ये भाषा बोलने वाले और समझने वाले कितने लोग हैं दुनिया में दो तीन लाख पकड़ लीजिए सर इस तरह का कॉन्टेंट कोई बना रहा है अभी इस भाषा में फ़िलहाल तो कोई नहीं बना रहा इस इस भाषा में सर कैसे पता कि मैं सबका चैनल देख चुका हूँ सर मेरा बस्ती खुद का बस्ती लोग का तो स, स, सभी लोग हिंदी में बोलते है तो क्या हो अगर आप इसी भाषा में कंटेंट बनाओ और उन दो लाख लोगों में से एक लाख लोग आपको देखने लग जाएं सर मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मेरा भाषा बोलता हो वो लोग तो जानता है कि मैं अरुणाचल वो भी अरुणाचल लेकिन मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोग देखें सर अब मैं एक बात बोलने वाला हूँ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बोली थी दोबारा से रिपीट करता हूँ जी सर इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो इससे फर्क पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं ऑडियंस क्या चाहती है मेरी बात को ध्यान से सुनना ध्यान से समझना जी सर कि अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो उसके प्लस माइनस है प्लस क्या है कि वो लोग जो हिंदी बोलते हैं वो समझ जाएंगे माइनस क्या है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाओगे जैसे अभी भी आप थोड़ा सा अटक अटक करके बोल रहे हो वाई कांट यू मेक कॉन्टेंट इन योर ओन लैंग्वेज क्योंकि जब आप आप वो भाषा बोलोगे जो बचपन से बोलते आए हो जी तो वहां पे कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा प्लस वहां पे एक बहुत बड़ा गैप है कोई और वो कर ही नहीं रहा है अभी आपने बताया या कर भी रहा है तो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है जी सर मतलब अगर ऐसे दो तीन लाख लोग भी हैं उस एरिया में और पूरे वर्ल्ड में मैं मानता हूं कि ऐसे पांच लाख लोग हैं तो अगर इन लोगों से आप कनेक्ट कर पाए उन्हीं की भाषा में तो आपकी मनोपली हो गई उस पर्टिकुलर सेगमेंट में और दो लाख लोग कम नहीं होते हैं दो लाख में से अगर एक लाख लोग भी रेगुलर आपको देखने लग जाए तो अगर किसी ब्रांड को इन एक लाख लोगों तक पहुंचना है तो उसका सबसे अच्छा जरिया है आप मैं नहीं क्योंकि हो सकता हूं दो लाख में से दो हजार लोग मेरे से कनेक्टेड होंगे लेकिन दो लाख में से एक लाख लोग आपसे कनेक्टेड हैं आप समझे मैंने क्या बोला जी सर एक बड़ी सेगमेंट में छोटा काम करने से अच्छा है कि एक छोटी सी सेगमेंट में कुछ बड़ा काम करो उसको पूरी तरह से कैप्चर करो कुछ ऐसा करो जो और कोई नहीं कर रहा है पूरी दुनिया में इसको अंडर एस्टिमेट मत करो जो आपके पास में पावर है और इसमें कोई एफर्ट नहीं है आपके लिए क्योंकि वहां के लोगों को अगर आप वही का लाइफ दिखाते हो उसी में तो उनका इंटरेस्ट है अब जैसे आप में से सब लोगों ने सौरभ जोशी का नाम सुना होगा जी सर उसकी क्या खास बात है इतना पॉपुलर क्यों है वो क्योंकि लोग उससे रिलेट कर जाते हैं और अब इतने टाइम से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि उसके साथ में कनेक्शन बन गया है ऑडियंस का तो आपको ये सोचना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जहां पर लोग आपसे रिलेट करें अब वो लोग कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं अगर एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो सौरभ जोशी इंग्लिश में भी तो बना सकते अपने ब्लॉग्स बट उससे क्या होगा ऑडियंस को मजा नहीं आएगा सर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी जी उसकी जो ऑडियंस है जी तो तो देखा जाए तो दुनिया की पॉपुलेशन सात सौ करोड़ लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है मान लो सात करोड़ तो देखा जाए तो दुनिया की एक परसेंट पॉपुलेशन तक पहुंच पा रहा है बट अगर वो इंग्लिश पे चला जाए तो वो पहुंच जाएगा सत्तर करोड़ तक बट वो फिर भी हिंदी पे है क्यों क्योंकि सात करोड़ भी कम नहीं होता तो अब इसी एग्जांपल को अगर थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाए तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है एक है हिंदी में कॉन्टेंट बनाइए जिसमें आप इतने फ्लुएंट नहीं है इतने कॉन्फिडेंट नहीं है जी सर लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप सात करोड़ लोगों तक पहुंच जाओगे दूसरा है कि आप उस लैंग्वेज में कॉन्टेंट बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लाइव दिखाइए जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी है यूट्यूब के ऊपर और वो लोग आपसे कनेक्ट कर पाए आप सिर्फ सत्तर हजार लोगों तक पहुंचोगे सात करोड़ तक नहीं पहुंचोगे लेकिन ये जो सत्तर हजार लोगों तक आप पहुंचोगे उसकी वजह से आने वाले टाइम में आप इतना कमा लोगे जिसकी कोई हद नहीं है आपके पास में फर्स्ट मूवर एडवांटेज आ जाएगा Can you see that? जी सर। आज जोशी के पास में फर्स्ट उस कर कर कुछ करने की कोशिश करोगे तो बहुत लोग कर रहे हैं फ्लॉप हो जाएगा और सब फ्लॉप हो रहे हैं जी। तो ये गलती आप मत करो जी सर अब ये जो मैं कह रहा हूं इसको करने में क्या दिक्कत है चलिए मान लीजिए मैं अपना भाषा में भी बना लूँगा लेकिन वो हमारे लोग देखेगा कि नहीं देखेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है सर आप उनको छोड़ोगे वो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे आप अपना बताओ अगर आपकी भाषा में कोई और कंटेंट बनाएगा आप उसको देखोगे या नहीं देखोगे डिपेंड करता है सर <laughs> क्या अगर इंटरेस्टिंग है? है तो जी सर तो आप उसको देखोगे या किसी ऐसे को देखोगे जिससे आप इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे आजकल ऐसा है कि मान लीजिए अगर मैं अपना भाषा से बना भी लिया मेरा कॉलोनी लोग नहीं देखेगा क्योंकि सेम फेस हमेशा देख चुका है या हमेशा सुन चुका है दूसरा अगर हिंदी में बना लिया दूसरा आदमी ने तो हमारा जो मेरा जो कॉलोनी का पब्लिक है वो उनको ज़्यादा वॉच करेगा सर आप क्या कर रहे हो आप उनके लिए अननेसेसरी कुछ भी सोच रहे हो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी भाषा में कोई और इंसान है कोई लड़का है कोई लड़की है जो आप ही की एज का है जो आप ही के आसपास का कोई है जिसको सिर्फ आप यूट्यूब पर देख सकते हो लेकिन वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसी आप जीना चाहते हो मतलब क्या अभी आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हो जी सर तो आप बैंगलोर की लाइफ दिखा रहे हो ना उन लोगों को जो वहां पर बैठे हैं जो वहां से निकल करके सिटी में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते हैं अभी क्योंकि अभी या तो वो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं या मान लो उनका काम ही वहीं पे है तो वहां आ नहीं सकते हैं बट वो देखना चाहते हैं देखो इतना कुछ हमारे सामने होता है लेकिन हम उससे सीखते नहीं है जिस वजह से हम एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं आप समझे लाइफ समझ, अगर अगर समझ दिखाओ जहां के आप हो वहां की भी लाइफ दिखाओ प्लस आप बैंगलोर की भी लाइफ दिखाओ जी सर जी, जी और जैसे आप हो वैसे ही दिखाओ फेक करने की कोशिश मत करो और डेली एक ब्लॉग अपलोड करो अगले एक साल तक करके देखो दर इज अ अट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सक्सेस मिलेगी अगर ऐसा करते हो तो बशर्ते कि आप ये करो अगर फिर से आप वही करने लग गए जो सब कर रहे हैं यानी कि हर तरह का कंटेंट बना रहे हो और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो आपके जैसे लाखों करोड़ों चैनल्स हैं आप उनमें से एक हो लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं अगर आप वो कर सको और रेगुलर कर सको परसिस्टेंटली कर सको और अगले एक साल तक कर सको तो पूरी दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जो अगले एक साल तक ऐसा कुछ करने वाला है और वो इंसान आप हो